नमस्कार किसान मित्रों, वंदे मातरम वंदे गौ मातरम। 2019 तक ज्यादातर ऐसा होता था कि अलग अलग जगह से किसानों को बहुत आना पड़ता था हमारी गौशाला में कुछ माहिती के लिए। तो ये YouTube चैनल जो शुरू किया है उसके पीछे एक ही कारण है कि किसी की आने की संभावना कम होती है तो उनको देखने के लिए अच्छा हो जाए, वहीं से सीखना हो जाए। तो बिल्कुल हम जो भी माहिती हमें जो भी गौ माता ने दिया है उसको खुले मन से बताना चाह रहे, ये YouTube चैनल के पीछे यही कारण है। और सबसे इम्पोर्टेंट, हमने अभी इस YouTube चैनल के अंदर से एडवर्टाइज आपको घड़ी घड़ी डिस्टर्ब ना करे वो भी व्यवस्था कर दी, क्योंकि इसका कोई आर्थिक उपार्जन का हमारा ध्येय था ही नहीं। तो बिना आपको डिस्टर्ब किए हुए कंटिन्यूस चैनल पे वीडियो आप देख पाए तो उसकी भी व्यवस्था करिए। तो आर्थिक उपार्जन का कोई ध्येय है नहीं और एक भी रुपये का हमें कोई अपेक्षा है नहीं। बस एक ही है कि जल्दी से जल्दी ये सच्ची माहिती आप आपकी मातृभाषा में वहां के लोगों को सिखाइए और वहीं की मातृभाषा में सिखाइए, और जो हिंदी जानते हैं उनको आप शेयर करके आगे मिल सकते हैं। लेकिन जल्दी से जल्दी गौ आधारित हमारा स्वास्थ्य हो, गौ आधारित हमारी कृषि हो, गौ आधारित हमारी विचारधारा कैसे सात्विक तरीके से देश का पुनर्निर्माण कर सकते हैं, ऐसा कह सकते हैं कि भाई उत्पादन हमने जिस लेवल के लिए है गौ आधारित, जैसे पेड़ के पीछे खड़े है तो ये पेड़ 8 साल में ये साइज का हुआ है, जो जनरल कितनी भी फर्टाइल भूमि में नहीं होता था। यहाँ पे ही सॉइल साइंटिस्ट ने कहा था कि ये 10 फीट से ऊंचा कोई पेड़ नहीं हो सकता इस मिट्टी में, तो हो रहा है। तो ये गाय का ये कमाल है। तो ये उसके वैज्ञानिक पक्ष, आयुर्वेदिक पक्ष, आध्यात्मिक पक्ष, सारे पक्षों को हमने समन्वय करके गौ माता के विषय को आपके जीवन में जोड़ने का प्रयत्न कर रहे। तो बिल्कुल गाय आधारित इस विषय को हम मिलकर आगे बढ़ाएंगे। वंदे मातरम वंदे गौ माता।